अस्सलाम वालेकुम जी, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी अथेंटिक मुर्ग छोले की रेसिपी है ये। और इसके लिए मसाला सबसे पहले हम तैयार करेंगे। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो देख लेते हैं। मसाला इसका बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है कोरिएंडर, होल कोरिएंडर है ये लिया है मैंने 2 टेबल स्पून। 1 टीस्पून मैं ले रही हूँ इसके अंदर हल्दी। सॉल्ट जाएगा इसके अंदर तकरीबन 1/2 टीस्पून। सॉल्ट जो है हम जिस वक्त कुकिंग करते हैं उस वक्त भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसलिए मैं इसके अंदर 1 टीस्पून डालूंगी। ब्लैक पेपर जाएगा इसके अंदर 10 से 12 अदद। ज़ीरा जाएगा इसके अंदर 2 टेबल स्पून। 5 अदद इसके अंदर जाएंगी हरी इलायची ग्रीन कार्डिमम। 2 अदद इसके अंदर मैं डालूंगी ये बादियान के फूल। बेकिंग सोडा जाएगा इसके अंदर 1 टीस्पून। 8 से 10 अदद मैं डालूंगी इसके अंदर लौंग। 2 बेलीफ जाएंगे इसके अंदर। जावित्री जाएगी ये तकरीबन पीसने के बाद बनेगी 1 टीस्पून। ब्लैक कार्डिमम जाएगी इसके अंदर 3 अदद। ये मेरे पास है रेड चिली, लंबी वाली है मेरे पास, आपके पास अगर छोटे साइज में है वो ले सकते हैं। ये मैं 5 अदद ले रही हूँ। इसके अंदर जाएगी अजवाइन, ये 1 टीस्पून भर के है। तो इन सब चीज़ों को अभी मिक्स कर लेते हैं। तो इसका मसाला बनाने के लिए मैंने ले लिया है यहाँ पे एक पैन। स्टोव कर लेते हैं ऑन और इन सब चीज़ों को हमने ड्राई रोस्ट करना है। तो इन सब चीज़ों को इस पैन में डाल देते हैं। सिर्फ हमने हल्दी, नमक और बेकिंग सोडा जो हमने डालना है इसके अंदर, उसको अभी हमने इसके अंदर नहीं डालना ड्राई रोस्ट करने के लिए, इसको हम एंड पे डालेंगे। बाकी सारी चीज़ें आपने इसके अंदर डाल देनी है। अजवाइन भी डाल देंगे। बेकिंग सोडा, सॉल्ट और हल्दी, इन तीनों चीजों को मैंने बचा लिया है, इनको हमने ड्राई रोस्ट नहीं करना है, इसको हम साइड पर रखते हैं और इनको हम ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। हाई फ्लेम पे नहीं करना, फ्लेम मैंने मीडियम ही रखा हुआ है। दो तीन मिनट इसको हम ड्राई करेंगे इस तरह से ड्राई रोस्ट। इसको ड्राई रोस्ट करने से इस मसाले के अंदर बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। आप वैसे भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं वैसे मसाला लेके, लेकिन इस तरह से करने से इसका जायका मुख्तलिफ आता है। इसको हमने इतना पका लेना है इसमें से खुशबू आने लगी हल्की सी मसाले की, और फिर हमने इसको उतार लेना है और इसको ठंडा करके फिर हम इसको पीस लेंगे। अगर आप इसको ज्यादा मिकदार में बना के रखना चाहते हैं तो इसकी क्वांटिटी डबल कर लें। मैं इसको 2 बार अपने खाने में इस्तेमाल कर सकूंगी, क्योंकि 1 केजी के अंदर आप 1 टेबल स्पून भर के आप डाल दें, काफी रहेगा उसके अंदर। ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट हो चुकी हुई हैं, अच्छी सी खुशबू इसके अंदर से आ रही है। अब मैं क्या करूँगी, स्टोव कर दूँगी बंद बिल्कुल, और इसको हम ठंडा होने देते हैं थोड़ी देर। ठंडा होने के बाद इसको मैं सब चीज़ों को पीस लूँगी, और ये जो तीनों चीज़ें थीं
हल्दी, नमक और सोडा, इसको मैं इसके साथ मिक्स कर दूंगी। जब मैं सारा मसाला जो है वो पीस लूंगी, उसके बाद मैं इसको इसके अंदर मिक्स करूंगी। तो इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देते हैं। मसाला जो है हमारा सारा ठंडा हो चुका हुआ है, अब इसको हम पीस लेंगे। दालचीनी मैंने इसके अंदर ऐड नहीं की है क्योंकि उसको पीसने का थोड़ा सा वो होता है मसला। तो मैं जब ये चने बनाऊंगी, मुर्ग छोले जिस वक्त मैं बनाने लगूंगी, उस वक्त मैं इसके अंदर दालचीनी डालूंगी, और उसके बाद जब उसका फ्लेवर आ जाएगा तो मैं उसको निकाल के डिस्कार्ड कर दूंगी। इसलिए मैंने इसके अंदर दालचीनी नहीं डाली है। आपको डालनी है, आप पीस के इसके अंदर डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर नहीं डाली, मैं बनाते वक्त डालूंगी। ये सारे इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं। अब मैं इसको पीस लेती हूँ। मसाला सारा मैंने पीस लिया है। ये तकरीबन भर के 2 टेबलस्पून बना है मसाला सारा। इस तरह से आप किसी भी बॉटल में डाल के रख लें। अब लास्ट में मैं हल्दी और नमक और सोडा जो रह गया था वो हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं और इसको मिक्स कर लेंगे। बाकी चीज़ें भी मैंने इसके अंदर मिक्स कर दी हैं। इस तरह से बंद करें, मिक्स कर लें इस तरह से। ये तैयार है। जब भी आपको मुर्ग छोले बनाने हो, इसके अंदर से आप जितना बना रहे हैं, 1 टेबल स्पून डाल लें, 1.5 टेबल स्पून डाल लें, आप इसको इस्तेमाल करें, ये ख़राब नहीं होगा। बहुत ही इजी रेसिपी थी। आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप ट्राई करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और मेरी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Thanks for watching. Don't forget to subscribe my channel and keep visiting on huge videos portal website www.videosizzler.com.